अरे भाई, मुझे उनसे ही शादी करनी है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ सामने वाला आपको सामने से शादी करने के लिए कहेगा। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का इंटेंशन यही है, आप प्यार में 110% हाँ दोस्तों सक्सेस हो जाए और आपका प्यार सफल हो जाए। क्योंकि प्यार में अक्सर लोग असफल होते हैं, मैंने देखे, आपने भी कई ऐसे अपने आसपास देखे होंगे जो प्यार में असफल होते हैं। तो मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा और आपका जो पार्टनर है वो सामने से आपके लिए, आपके साथ शादी करने के लिए तड़पेगा। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ दो टिप्स से, दो काम से आप अपने प्यार को सफल बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो टिप है वो है पावर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, अट्रैक्शन में बहुत पावर है। आकर्षण का जो सिद्धांत है वो बहुत ही पावरफुल है। पहले तो समझ लेते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन होने से शादी नहीं होती। सिर्फ अगर आप सामने वाले को अट्रैक्ट हो गए हो सामने वाले से, तब आप चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए, तो नहीं होती। या तो फिर आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में सिर्फ अट्रैक्शन कोई काम का नहीं है। ऐसे तो हर कोई के लिए हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि मैं उससे मैरिज कर लूँ, शादी कर लूँ। केवल प्यार का होना भी शादी नहीं करवाता। हाँ दोस्तों, सिर्फ प्यार होगा तो आप कहीं ना कहीं ऊब जाएंगे, कहीं अट्रैक्शन नहीं होगा तो भी आप कहीं ना कहीं ऊब लगेंगे। इसीलिए सिर्फ प्यार का होना भी शादी नहीं करवाता। लेकिन अट्रैक्शन प्लस लव इज इक्वल टू मैरिज, ऐसा हो सकता है। अगर आपको अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है, तो ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। प्यार होना ये बहुत ही दिल से आपको सुकून देता है, दिल से आप सेटिस्फाइड होते हैं, और अट्रैक्शन का होना आपको कभी उबाता नहीं उस पार्टनर से। इसलिए अट्रैक्शन और प्यार का होना आप मैरिज की तरफ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसे ही सामने वाले को अगर आप पर प्यार भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, तो तुरंत वो शादी करने के लिए राजी होगा और सामने से शादी करने के लिए आपको शायद प्रपोज कर सकता है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये नंबर वन पे जो टिप थी जिससे सामने वाला सामने से शादी करने के लिए कहेगा। अब जो नंबर दो पे टिप है वो है फ्यूचर में ले जाना। हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगा, पहली बार सुना है, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। फ्यूचर में ले जाना, उसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझिए, फ्यूचर में ले जाना इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्टनर से भविष्य की योजनाएं दिखानी है। हम फ्यूचर में कैसे होंगे, हमारी अच्छी फैमिली होंगी, अच्छे से हम रहेंगे, अच्छे से एक दूसरे से तालमेल बिठाकर प्यार और अट्रैक्शन के बदौलत हम अच्छे से रहेंगे। ये सारी बातें उनको दिखानी होती है, सपने दिखाने होते हैं। चलिए अब जो कुछ पॉइंट्स है वो समझते हैं। अब फ्यूचर में ले जाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड बैड हैबिट्स। यानी कि अगर आपको अपने पार्टनर से अच्छे से तालमेल बिठाना है, तो आपको बैड हैबिट्स को दूर करना होगा, दूर रहना होगा। जैसे कि आप कुछ लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उन सारी आदतों से छुटकारा पाना होगा, वहाँ से दूर होना होगा, तभी आप अच्छे से उनके साथ फ्यूचर में जा पाएंगे। क्योंकि वो तो तुरंत कह देगी, तुम तो ऐसे ही रहोगे, ऐसी बैड हैबिट्स है तुम पे, तो क्या करोगे, मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ प्लान बनाकर करूँ भी तो क्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर दो पे जो पॉइंट है उसमें वो है क्रिएट बेटर लाइफ पॉसिबिलिटी। यानी कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की संभावनाएं बतानी है, दिखानी है। लेकिन बेटर लाइफ आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप उन्हें बता सकते हैं? अगर शादी से पहले आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं अपने आर्थिक मामलों में, तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छे से उनको दिखा सकते हो कि हमारी लाइफ अच्छी होगी, जो चाहे हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ज़िंदगी जी सकते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास बिठेगा। इसीलिए पहले आप सक्सेसफुल होए, उसके बाद शादी का सोचे, तो मैं मानता हूँ वो अच्छा रहेगा। तीसरा है वो पॉइंट है बेटर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए अगर फ्यूचर में उनके साथ बातें करके ऐसा जताना है कि आप एक अच्छी वाइफ या तो फिर अच्छे हस्बैंड बनकर रहोगे, ऐसी कुछ संभावनाएं उनको दिखानी है कि अगर झगड़े हुए तो मैं ऐसे रिएक्ट कर सकता हूँ, ऐसे रिएक्ट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ हम बैलेंस करके चलेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। ऐसे अच्छे अच्छे सपने दिखाने हैं, वो भी प्रेजेंट के थ्रू, प्रेजेंट के बेस पे, तो उनको ज़्यादा भरोसा होगा। तो ये दो टिप्स ऐसी थी जिसके बदौलत आप शादी के लिए कह सकते हैं, या तो फिर सामने वाला सामने से शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि शादी करने के कुछ जो कंडीशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सामने वाला कैसे सोचता है कि इनसे शादी करनी है, ये सारी बातें उनको भी समझ में आए।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए बीएफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।